कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार के अंदर एक लड़का लेटा हुआ होता है। उस लड़के का नाम जोश होता है और तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आ जाता है। दरअसल ये दोनों इस समुद्र में लाइफगार्ड की जॉब किया करते थे। जोश का फ्रेंड उससे मिलने के बाद अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद जोश अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलता है जो कि उस बीच पर ही आई होती है। फिर कुछ देर बाद एक स्विमिंग करते आदमी को एक सार खा जाती है। जोश का फ्रेंड उस वक्त वहीं पर होता है और उसी वक्त वहाँ पर अलर्ट होने का सायरन बजता है, जिसे सुनकर जोश भी अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए समुद्र में जाता है। जोश का फ्रेंड ये बात नहीं जानता था कि सार्क उसके कितने करीब आ चुकी है, और जो जैसे ही अपने फ्रेंड के पास जाता है तो सार्क तुरंत ही उसके फ्रेंड को खा जाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर हम जोश को देखते हैं। जोश को आज भी इस बात का गिल्ट था कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था। वो टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें बीच से दूर रहने के लिए बताया जा रहा होता है, क्योंकि अब बीच में काफ़ी ज़्यादा सार्क आ चुकी थी। इसके बाद जोश अपने नए काम के लिए चला जाता है। जोश अब एक फूड मार्ट में काम करता है और ये फूड मार्ट भी बीच के पास होता है। वहाँ पर जोश की मुलाकात अपनी एक फ्रेंड से होती है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई हुई थी। इधर नीचे पार्किंग एरिया में एक कार में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। उसमें जो लड़की होती है उसके पास एक डॉग था जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और वो उस डॉग को भी मार्ट में अपने साथ लेकर आई थी। फिर हमें दूसरी गाड़ी में एक चोर को दिखाया जाता है जो कि अपने चोर साथी के साथ इस मार्ट को लूटने के लिए आया हुआ था। इधर एक पुलिस ऑफिसर एक जेमी नाम की लड़की को पकड़कर पार्किंग एरिया में ले आता है क्योंकि उसने मार्ट में चोरी की थी। वो पुलिस ऑफिसर जेमी को कार में बैठाकर उसे बंद कर देता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और उस आदमी को देखकर उस पुलिस ऑफिसर को उस पर डाउट होता है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो चोर मार्ट के मैनेजर के रूम में जाकर उससे लॉकर खोलने के लिए कहता है। मैनेजर उस लॉकर को खोलता है लेकिन वो लॉकर पूरी तरीके से खाली होता है। फिर वो चोर मैनेजर को बंदी बनाकर कहीं पर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर उस चोर का दूसरा साथी जोश की फ्रेंड को बंदी बना लेता है। जोश जब देखता है कि उसने उसकी फ्रेंड को बंदी बनाया हुआ है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इधर नीचे जेमी का फ्रेंड उसके पास आकर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और जेमी का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी जॉब चली गई है। ये सुनकर जेमी मार्ट में जाती है ताकि वो मैनेजर को ये बता सके कि उसके फ्रेंड का कोई भी कसूर नहीं। इसके बाद जेमी का फ्रेंड एक वैन में बैठ जाता है। ऊपर इस चोर ने जो उसकी फ्रेंड को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। जोश अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है। असल में वहाँ पर एक समुद्री तूफान आया था जिससे कि पूरा शहर पानी से भर गया था, सब कुछ तहस नहस हो गया था और पूरा मार्ट भी पानी से भर गया था। फिर हमें जोश पानी में दिखाई देता है। इसके बाद जोश का फ्रेंड और वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर दिखाए जाते हैं। तभी वहाँ पर जेमी भी पहुँच जाती है। तभी जेमी को याद आता है कि उसका फ्रेंड तो अभी भी बैन में होता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि समुद्री तूफान की वजह से उसका फ्रेंड मर चुका है। इसके बाद मैनेजर और बाकी सब भी सेल्फ पर चढ़ जाते हैं। नीचे पानी में वो कपल फंसा हुआ था, वो सोच रहे थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। जेमी का फ्रेंड जो कि अभी भी जिंदा था, वो किसी नुकीली चीज से अपनी बहन का दरवाजा तोड़ देता है और वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। वो सब लोग उन चोरों को बचाकर उन्हें सेल पर चढ़ाते हैं। अब वहां पर जितने भी सर्वाइवर्स थे वो सब सेल पर बैठे हुए थे। वो सब ये भी जानते थे कि यहाँ पर पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और फिर दोबारा से अर्थक्वेक भी आएगा, इसीलिए जो उसके दोनों फ्रेंड मार्ट के मेन गेट को चेक करने के लिए जाते हैं, जबकि गार्ड मार्ट का पिछला गेट चेक करने के लिए जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह करके किसी भी दरवाजे से बाहर निकलना चाहते थे जो कि खुला हो। लेकिन तभी जोश को कुछ खतरा महसूस होता है, इसलिए वो सबको पानी से बाहर निकलकर सेल पर आने के लिए बोलता है। जोश के दोनों फ्रेंड पानी से बाहर निकलकर सेल पर आ जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने सार्क गार्ड को खा जाती है। अब वो सभी जान चुके थे कि पानी में सार्क है, यानी उनके लिए वहां पर खतरा है। जोश उस सार्क को देखकर बताता है कि ये सार्क काफी ज्यादा लंबी है। नीचे गाड़ी में बैठा कपल भी एक सार्क को देख लेता है। तभी वो सार्क उनकी गाड़ी की विंडो पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो सार्क सेल के आसपास चक्कर काट रही थी, तभी वहां पर जोर से एक अर्थक्वेक आ जाता है जिससे कि वहां पर एक लगी वायर नीचे लटक जाती है और वो बस पानी से थोड़ा सा ही ऊपर होती है। वो सब सोचते हैं कि अगर ये वायर पानी में गिर गई तो हम सबके सब मारे जाएंगे। तब जोश कहता है कि मैं मेन स्विच के पास जाकर उसे बंद कर दूंगा।
लेकिन जोस की फीमेल फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जोस के बाजू पर चोट लगी हुई थी। जोस की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारे खून की वजह से वो सार्क तुम्हारे पास आएगी। तभी जोस के मेल फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो मार्ट के सामान को अपने शरीर पर लपेट कर उसके कबर बनाता है और पानी में सांस लेने के लिए एक पाइप का यूज करता है। इसके बाद वो रेडी होकर पानी में कूद जाता है। तभी वहाँ पर सार्क तो उसके पास आती है लेकिन उसे बगैर कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चली जाती है। मार्ट का सारा सामान पानी में बिखरा हुआ था और तो और पानी में सांप भी घूम रहे थे और जो उसका मेल फ्रेंड स्विच तक पहुंचने वाला ही था कि तभी वो पाइप खत्म हो जाता है जिसकी दूसरी साइड जोस ने पकड़ रखी थी। जोस का फ्रेंड उस पाइप को अपने मुंह में से निकाल कर फेंक देता है और वो स्विच को ऑफ करने में भी कामयाब हो जाता है। फिर वो तैर कर ऊपर आने की कोशिश तो करता है लेकिन इतना सारा सामान होने की वजह से वो ऊपर की तरफ नहीं तैर पाता और उस बेचारे की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में जिमी का फ्रेंड उस कपल की हेल्प करता है। वो एक डेड बॉडी का कटा हुआ हाथ पानी में फेंकता है जिससे कि सार्क उसकी तरफ चली जाती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वो कपल अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में चढ़ने लगते हैं लेकिन तभी वो सार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कपल में जो आदमी होता है वो अपनी वाइफ के डॉग को पानी में फेंक देता है और अब सार्क उस डॉग के पास जाने लगती है जिससे कि उनकी जान बच जाती है। अब जोस और वो चोर ऊपर के रास्ते से बाहर जाने की सोचते हैं। मैनेजर कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और वो रस्सी के सहारे ऊपर की विंडो को ओपन करने लगता है। अभी वो हवा में लटका ही होता है कि तभी नीचे से सार्क निकल कर आती है और उसे खा जाती है। इधर दूसरी तरफ जेमी के फ्रेंड की मदद करने के चक्कर में उस कपल में जो हस्बैंड होता है वो नीचे गिर जाता है और तभी पीछे से सार्क आकर उसे भी खा जाती है। इधर दूसरी तरफ एक चोर एक हुक से सार्क का शिकार करने का सोचता है। हुक जो की उनकी सेल्फ से कुछ दूरी के फासले पर थी, जेमी कहती है कि हुक लेने के लिए मैं जाऊंगी और वो ये कहकर नीचे पानी में कूद जाती है। वो हुक लेने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि तभी पीछे पीछे उसके सार्क भी आ रही होती है लेकिन तभी जेमी का हाथ एक हैमर लग जाता है और वो उस हैमर से सार्क पर अटैक करती है जिससे कि सार्क उससे पीछे हट जाती है और जेमी हुक लेकर दोबारा से अपने सेल पर आ जाती है। अब वो लोग उस हुक में एक मांस के टुकड़े को हिलकाकर नीचे पानी में फेंकते हैं लेकिन सार्क उस मांस के टुकड़े को नहीं खाती। तभी उनमें से एक सर्वाइवर पूछती है कि सार्क ने उस मांस के टुकड़े को क्यों नहीं खाया, जिस पर वो चोर कहता है कि सार्क को ताजी मांस चाहिए और वो ये कहते ही उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे नीचे पानी में फेंक देता है। असल में वो उस लड़की के जरिए सार्क का शिकार करना चाहता था लेकिन तभी उस चोर का साथी पीछे से आकर उसी को मार देता है और वो उसके पीछे घूर कटकाकर उसे नीचे पानी में फेंकता है जिस पर सार्क आकर उस आदमी को खा लेती है और अब सार्क उनके ट्रैप में भी फंस चुकी थी। इधर दूसरी तरफ जेमी का फ्रेंड और कपल में वो लड़की किसी के आने का वेट कर रहे थे कि शायद कोई उन्हें आकर बचाए। तभी जेमी के फ्रेंड को एक आइडिया आता है और वो एक रोड की मदद से आवाज पैदा करता है जिसे ऊपर जेमी सुन लेती है। जेमी और जोस दोनों नीचे उनकी मदद करने के लिए जाते हैं और वो लोग जैसे ही पार्किंग एरिया में एंटर करते हैं तो जेमी का फ्रेंड उन्हें सार्क के बारे में इन्फॉर्म करता है जो कि उनके बिल्कुल ही पास थी। तब जोस और जेमी एक गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। दरअसल ये लोग जिस गाड़ी के ऊपर होते हैं वो गाड़ी उस पुलिस ऑफिसर की होती है। जोस जल्दी से अंदर जाकर उसमें से गन्स निकालता है लेकिन वो जैसे ही गन चलाता है तो वो एक झटके से नीचे गिर जाता है और अब सार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी लेकिन जोस उसे शूट कर मार डालता है और अब वो सब लोग मार्ट के ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। अब वो सभी लोग बाहर निकलने की जगह ढूंढ रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाता है जिससे कि अब वो पूरा मार्ट टूटने लगता है और अब हुक में फंसी वो दूसरी सार्क भी फ्री हो जाती है जिस बारे में जोस को पता चल जाता है। इसलिए वो सभी को पानी से ऊपर आने के लिए कहता है और सार्क जैसे ही बाहर आती है तो जोस एक इलेक्ट्रिक गन से उस सार्क पर अटैक कर देता है और वो लोग एक हाई वोल्टेज करंट की मदद से उस सार्क को ब्लास्ट कर देते हैं और इसके बाद वो सभी लोग वहां से बाहर आते हैं। बाहर आकर वो सब लोग देखते हैं कि समुद्री तूफान की वजह से पूरा शहर तहस नहस हो गया है। टूटी हुई बिल्डिंग और धुएं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।